इन-लॉज को, अपने हस्बैंड को खुश रख पा रही हूँ और ना ही मैं अपने काम पे फोकस कर पा रही हूँ। लोगों को हमारे एफर्ट्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, जब हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे होंगे वो लोग हमसे गुस्सा हो रहे होंगे। लेकिन मेरी एक टिप उन सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर में ब्रेक लिया है शादी की वजह से, बच्चों की वजह से, सबसे पहले तो आपको इस बात को नेगेटिव समझना बंद करना है। स्त्री एक ऐसा गुरु है जो शर्ट के बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ना चाहती है। नमस्ते, मेरा नाम निमिषा बंसल है और मैं अपने YouTube चैनल निमिषा बंसल के माध्यम से कई महिलाओं को स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती हूँ। शादी एक महिला की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। मैंने कई महिलाओं के सपनों को टूटते हुए देखा है शादी के बाद। ये डर मेरा भी था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा करियर कहीं रुक जाए, मेरे सपने कहीं टूट जाएं। जब मेरे करियर ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी तब मेरी शादी हो गई। नई जगह, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए लोग, एक बहुत मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर बनने लगा। आपको नई जगह के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, ये सब मुझे भी सिखाया जा रहा था। मैं भी स्ट्रगल कर रही थी कि मैं दोनों ही तरफ, अपने काम की तरफ भी और अपनी फैमिली की तरफ भी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन, जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैं पूरा कर पाऊँ। बहुत बार फेल भी हो रही थी, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट भी मिल रहा था, कभी टूट भी रही थी, एक प्रेशर भी बनता जा रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी। इस सब की वजह से एक दुख जो मुझे खाया जा रहा था वो ये था कि ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ, ना मैं अपने इन-लॉज को, अपने हस्बैंड को खुश रख पा रही हूँ और ना ही मैं अपने काम पर फोकस कर पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही थी और ये जो फेज था मेरी ज़िंदगी में, एक स्ट्रगल का फेज था। इस स्ट्रगल के फेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे भागते हुए मेट्रो पकड़ना सिखाया, मुझे खाना बनाना सिखाया, मुझे एक बार में चारों गैस को यूज़ करना सिखाया, मुझे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना सिखाया, सुबह सुबह उठना सिखाया। तो इस फेज़ ने, जो कि एक बहुत स्ट्रगलिंग और एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ ना, बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जब मैं इस फेज़ से गुजरी, मैं एक इम्प्रूव्ड इंसान बन के बाहर आई। मेरे सोचने की क्षमता, घर मैनेज करना मैंने सीखा इस सब चीज़ों से। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी जिनकी भी शादी हुई है या जो भी शादी के बाद कहीं ना कहीं अपने करियर में पीछे रह गई हैं, अपना करियर उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में छोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कभी कभी लगता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है इसने हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी लेके आता है। अगर हम अपने आप को लगातार अपडेटेड रखें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। एक जो हम नेगेटिव माइंडसेट बना लेते हैं कि इन सर्कमस्टांसिस की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है या इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी हुई है, हमें उस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में होगा जब हम मेहनत कर रहे होंगे, जब हम एफर्ट्स कर रहे होंगे, लोगों को हमारे एफर्ट्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, जब हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे होंगे वो लोग हमसे गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन हमें एफर्ट्स करते रहना है। धीरे 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 करके जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक पॉइंट ऐसा ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जब लोग आपके एफ़र्ट्स को पहचानने लगेंगे। मेरे लिए शादी मेरे करियर की एक नई शुरुआत थी। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने सपनों को चकनाचूर होने देते हैं या हम उसको एक नई शुरुआत देते हैं, उसको एक नया मोड़ देते हैं। मेरी एक टिप उन सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर में ब्रेक लिया है शादी की वजह से, बच्चों की वजह से, सबसे पहले तो आपको इस बात को नेगेटिव समझना बंद करना है। जब तक हम अपने अंदर एक कमी समझते रहेंगे कि मेरा गैप हो गया है, मेरा करियर ब्रेक हो गया है, तब तक हम खुद भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को एक नेगेटिव एस्पेक्ट देना बंद कीजिए। आप इसको एक पॉजिटिव सेंस में सोचिए कि आपने इस दौरान भी बहुत कुछ सीखा है जो शायद आपको आपकी वर्क लाइफ या आपको आपकी करियर की लाइफ नहीं सिखा पाती। तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत कुछ आगे बढ़ी हैं। अब आप अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने के लिए रेडी हैं। ब्रेक लेना गलत नहीं है, लेकिन जब आप ब्रेक ले रहे हैं आप मेक श्योर कीजिए कि आप पूरी तरीके से कटआउट ना हो जाए। आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको सीखिए, जो नए अपडेशंस आ रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपका ब्रेक भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ में आपको मार्केट रिसर्च करने की भी ज़रूरत है और
टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सीखने हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ को और अपने वर्क लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, दोनों ही तरफ कैसे आप अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हमें सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या नई नई चीज़ें चल रही हैं, लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसके मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़रूर रहें जब आपका ब्रेक का टाइम हो। मेरा एक मैसेज सभी महिलाओं के लिए जो अपने करियर की सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रही हैं कि आप अपने गैप के दौरान अपने स्किल सेट्स को मेंटेन रखिए, कुछ नया सीखिए, जो आपको आता है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि भले ही आप जॉब नहीं कर रहे हैं, भले ही आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज बरकरार है उस चीज़ की। एक आखिरी मैसेज सभी के लिए, स्त्री एक ऐसा गुरु है जो शर्ट के बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ना चाहती है। तो आपको सब आता है, आप में कोई कमी नहीं है, यू आर दी पावर एंड यू कैन डू एनीथिंग। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, ऑल द बेस्ट।